हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। फटाफट से जुड़ जाइए सभी लोग। स्वागत है सभी का IFS के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइस फटाफट से जुड़ जाओ। आपका क्लासिकल मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को सवाल करवाऊंगा मैं आपको। पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा और फिर मैं आपको यहाँ पे कुछ बेहतरीन बेहतरीन सवाल करवाऊंगा। तो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए इस चैनल पर जल्दी से इस लेक्चर में, और लेक्चर के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सारे मित्रों के साथ। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, एम आई ऑडिबल प्रॉपरली, और मेरी स्क्रीन दोनों चीजें बेटा विजिबल है। तो जो भी हमारे IIT 2025 के एस्पिरेंट हैं या फिर CUET 2025 का एस्पिरेंट, आपको पता ही है कि अब आपका एग्जाम जो है वो सीधे नेक्स्ट ईयर फेब में होगा या फिर CUET का होगा तो उसके बाद होगा। तो अभी आपके पास अच्छा खासा समय है, बिल्कुल इनिशियल फेसेस से, बिल्कुल बेसिक से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो उसी चीज में हम भी शुरू हो चुके हैं। ये लेक्चर सीरीज आपकी बेसिक बेसिक कुछ टॉपिक हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। जो आप यहाँ से पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जुड़ जाइए कॉपी पेन के साथ, एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं आज ग्रेविटेशन फोर्स के ऊपर और बेलो ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे वैरी करती है। कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेहतरीन बेहतरीन, ठीक है, जो कि जैम के लेवल से भी ऊपर न्यूमेरिकल्स होंगे। अगर आप ये न्यूमेरिकल बना पा रहे हो तो आराम से आप जैम या सीट, तो फिर कुछ है ही नहीं उसके सामने। स्टार्ट करें, सभी लोग रेडी हैं? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। लेक्चर के लिंक को आपने शेयर कर दिया अपने मित्रों के साथ, यस और नो? कमेंट सेक्शन में उपस्थिति बताइए। सारे बच्चे तैयार हैं एकदम? चलो, तो आज के टॉपिक, आज के सेशन में हम क्या क्या करने वाले हैं। आज के सेशन में बेसिकली हम फोर्स पे बात करेंगे, ग्रेविटेशन फील्ड पे बात करेंगे, एंड वेरिएशन ऑफ जी पे बात करेंगे अगर टाइम बचेगा। और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, बीच बीच में मैं न्यूमेरिकल्स भी आपको कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट आपको कितना समझ में आ रहा है आप समझ पाए। बिना न्यूमेरिकल के मजा नहीं आता फिजिक्स में। तो स्टार्ट किया जाए सेशन, एकदम सभी लोग तैयार होंगे मुझे उम्मीद है पूरी, है ना भाई? चलो, तो सबसे पहले बात आती है कहां से शुरू हुआ, बात क्यों पढ़ते हो आप इसको। अच्छा, एक सिंपल सी बात है, ग्रेविटेशन जब भी हम बात करते हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर जब भी हम पढ़ते हैं, अब तो हम इतने बड़े हो चुके हैं, हमें पता है पूरा ग्रेविटी के बारे में डिटेल से पता है बातें, बट एक बेसिक आइडिया, एक बेसिक सवाल सभी बच्चों के दिमाग में आता है। सभी लोग यही बोलते हैं कि अगर उस दिन काश वो सेब की जगह, अगर वो काश उस दिन सेब की जगह न्यूटन के ऊपर पत्थर गिर गया होता तो आज हम ये सब ना पढ़ रहे होते, राइट? अगर वो सेब गिरा था, काश उस सेब की जगह पेड़ से पत्थर गिरा होता, सर फूट जाता न्यूटन का, और आज हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे होते। वट एवर, क्या फर्क पड़ता, जो हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। तो मुद्दा यह है कि क्यों गिरा सेब, सवाल यह है सेब गिरा क्यों, रीजन क्या है उसके, राइट? ऊपर भी तो जा सकता था, वो नीचे क्यों आया? इसी वजह से आप ये चैप्टर पढ़ते हो। जस्ट गिव मी अ मिनट। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, हम ग्रेविटेशन फील्ड के ऊपर तो बात करेंगे ही, उससे पहले हम ये समझ लेते हैं, ग्रेविटेशन फील्ड से पहले आपको समझना पड़ेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। आपको ये पता है कि ग्रेविटी के बारे में बात होगी, ठीक है, उस पर भी हम करेंगे, कि इस यूनिवर्स में बेसिकली देखा जाए तो हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, राइट? बेसिकली न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, यहां पर हेडिंग डाल लो, यूनिवर्सल भी लिख सकते हो, मैंने नहीं लिखा, ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल लॉ, राइट? ईच पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर विद सम फोर्स। वो फोर्स क्या है, दैट इज डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ मासेस, इट इज लॉ, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। जो मासेस है उन दोनों ऑब्जेक्ट के, उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज करो मेरे पास कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ये है, इसका मास है m1, और एक ये इसका मास है m2, और ये दोनों सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। तो ग्रेविटेशन का, न्यूटन का लॉ क्या कहता है, कि ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं विद द फोर्स, दैट इज गिवन एज एफ इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r2। अब यहां पे एक सिंपल सी बात समझने वाली है कि सर एफ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r2 है, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ये फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा, जितना ज्यादा दूर होंगे उतना अट्रैक्शन कम होगा। और ये बात रियल लाइफ में भी होती है, जितना लंबा रिलेशनशिप उतना जल्दी टूटता है, उसमें उतना अट्रैक्शन कम होता है, जितना पास होते हैं लोग उतना अट्रैक्शन ज्यादा होता है ना भाई? तो वही बात है, जितना दूरी ज्यादा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। हालांकि कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जो तुम्हारे हमारे नसीब में नहीं, उनको छोड़ दो, राइट? तो इसीलिए बोला जाता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मत रहा करो, अपने शहर में ढूंढा करो।
चलो, तो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे डिपेंड कर रहा है सर? मास पे डिपेंड कर रहा है, मास मास पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट पे। मान लो प्रियंका चोपड़ा है, निक जोनस है, प्रियंका चोपड़ा बहुत भारी है, निक जोनस भैया हल्के हैं, तो इस पे भी डिपेंड कर रहा है। अब दूरी कितनी है उनके बीच में, उस पर इनवर्सली डिपेंड कर रहा है, राइट? इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। बट इस फोर्स से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। क्या है सर? जैसे आपने कूलाम्ब्ला पढ़ा, कूलाम्ब्ला में क्या होता था, कूलाम्ब्ला में कुछ चीजें होती कि दो चार्ज है, अगर सर वो आर दूरी से सेपरेट है, दैट कैन बी रिपल्सिव, दैट कैन बी अट्रैक्टिव, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द चार्जेस। बट कूलाम्बिक फोर्स आल्सो डिपेंड ऑन मीडियम, राइट? कूलाम्बिक फोर्स आपके मीडियम डिपेंडेंट है। अगर आपने वो दो चार्ज जो है वो मीडियम में कहीं पर रख दिया, वो डिपेंड करेगा कौन से मीडियम में आपके वो चार्ज रखे हुए। बट ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है मेरे प्यारे बच्चे, ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती, इट इज मीडियम इंडिपेंडेंट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एफ इज दूसरा पॉइंट, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मीडियम इंडिपेंडेंट है और ये कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है कि बर्क डन जो होगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, आप किसी भी पाथ से बर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बिकॉज ग्रेविटेशन फोर्सेस कंजर्वेटिव इन नेचर, राइट? क्लियर? तो बेसिक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, यहां से आपके क्वेश्चन अच्छे अच्छे लेवल के बन जाते हैं। आपको लग रहा होगा एक छोटू सा फॉर्मूला, हालांकि ये वेक्टर आप ध्यान रखना है, फोर्स है तो फोर्स वेक्टर, जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम हमेशा वेक्टर के साथ उसमें वेक्टर के साथ एडिशन करेंगे, जो भी होगा इसके लिए एडिशन नहीं करेंगे। अभी मैं आपको एक सवाल दूंगा, यहां तक की बात क्लियर है सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज मैं आपको एक बेहतरीन सवाल करवाऊं यहां पे, ठीक है? इसी से रिलेटेड अब हमने ये फार्मूला पढ़ लिया, स्टार्टिंग यहीं से होती है ग्रेविटेशन चैप्टर की। दिस इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यहां पे जी की वैल्यू आपको पता होना चाहिए, जी की वैल्यू किसी को नहीं पता तो लिख लो यहां पे, जी की जो वैल्यू होती है दैट इज 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, ठीक है? ये आपकी जी की वैल्यू है, 6.67 इंटू 10 माइनस 11, ठीक है? चलो अब मैं आपको एक यहां से सवाल देता हूं, सवाल आप अपने आप से ट्राई कीजिएगा, और बहुत अच्छा बहुत प्यारा सवाल है। देखो ये आपको सवाल लगाया है, बहुत बढ़िया सवाल, अगर आपने सवाल कर लिया इसका मतलब आपका वेक्टर का एडिशन का नॉलेज क्लियर है, वेक्टर के सॉल्व आप कर पा रहे हैं क्योंकि वेक्टर इसमें यूज होगा। थ्री पार्टिकल, इसी तरह के सवाल आप जब कूलाम्बिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते तब भी करते हो, और ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये कोई नॉर्मल सवाल नहीं है। थ्री पार्टिकल्स ईच ऑफ मास एम आर लोकेटेड एट द वर्टेक्सेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए। तीन पार्टिकल हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके वर्टेक्सेस पे रखे हुए हैं, जिनका मास है सबका सेम है, ठीक है? एट वॉट स्पीड विल दे मूव, एट वॉट स्पीड विल दे मूव इफ दे आर रिवॉल्व अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ देयर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट circumscribing the triangle while still preserving the equilateral triangle. This is very interesting question. Question को ध्यान से समझिए। तीन पार्टिकल है जिनका मास m है, located at the vertex of equilateral triangle of side A. ठीक है? At what speed will they move if they will revolve under the influence of the gravitational force of attraction in a circular orbit, circumscribing the triangle while still preserving the equilateral triangle? चलो आंसर बताओ इसका क्या हो सकता है, मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए, बताइए इस सवाल का जवाब क्या हो सकता है सभी स्टूडेंट जल्दी से। तीन पार्टिकल है इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टेक्सेस पे रखे हुए हैं, तीनों ऑब्वियस में ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्फ्लुएंस में मूव भी कर रहे हैं, बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका।
नहीं आ रहा। चलो अब देखो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमसे क्या बोला गया, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, दिस इज योर इक्विलेटरल ट्रायंगल। यहां पे एक मास रखा हुआ है, यहां पे एक मास रखा हुआ है, यहां पे एक मास रखा हुआ है, राइट। मान लो हमने इसको बोल दिया पॉइंट ए, इसको बोल दिया पॉइंट बी, इसको बोल दिया पॉइंट सी। और हमसे क्या बोला गया मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऐसे एक सर्कल जा रहा है यू, राइट। इस तरह से एक सर्कल जा रहा है। आपको यह बताना है कि वेलोसिटी बतानी, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, स्टिल प्रिजर्विंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल से बाहर नहीं निकल पाए वो। तो देखो बेसिकली वो क्या रहा होगा, इसके और इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, इसके इसके बीच में लग रहा होगा, इसके इसके बीच में लग रहा होगा, ठीक है। मान लो आपने यहां से एक 90, ये मान लो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने यहां से 90 डिग्री डाला, ऑब्वियसली बात है ये यहां से ये इस तरह से आपको, ये बेसिकली आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना वो निकालना पड़ेगा। एंड दिस इज योर 30 डिग्री एंगल, ऑब्वियसली दिस इज 30, राइट, बिकॉज इट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये आपका दूरी हो गया आर, मासेस एम हो गए, और ये वाली दूरी कितनी हो गई, क्योंकि आपको डायमीटर दिया है ए, तो आपका ए बाई टू हो गई ये दूरी, राइट। तो बेसिकली होगा कि अगर हम नेट फोर्स निकाल लें, नेट फोर्स किसी भी एक पार्टिकल पर नेट फोर्स निकाल सकते हो। मान लो मैं निकालना चाह रहा हूं एफ ए, इस ए पे बाकी दो के द्वारा, बी और सी के द्वारा फोर्स निकालना चाह रहा हूं, तो एफ ए पे जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी, एफ डी टू बी डी टू सी, राइट, यही होगी। अब आप इसको नॉर्मली ऐड कर सकते हैं, आपका वेक्टर एडिशन यहां पे चलेगा। तो देखो इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इसका इसका नेट फोर्स इधर आएगा, इसका इसका नेट फोर्स इधर आएगा, तो आपका जो नेट फोर्स हो जाएगा इसका इधर कहीं ना कहीं आएगा, वो कितना हो जाएगा, दैट इज टू टाइम्स ऑफ जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉस 30, राइट। तो यहां से आपका क्या होगा, ये जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट थ्री, बिकॉज रूट थ्री बाई टू से टू टू विल कैंसिल, तो ये आपका आ गया फोर्स ऑन ए। अब ये सर्किल में मूव कर रहे हैं, तो अगर इनको सर्किल में बचाना है, इधर निकल वो करवाना है, प्रिवेंट करवाना है, तो ऑब्वियस सी बात है सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहां पे होगी ये नेट फोर्स है। तो अगर सेंट्रीपिटल फोर्स यहां पे जो है इस नेट फोर्स के बराबर हो, तो पार्टिकल जो होगा प्रिजर्व कर पाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सेंट्रीपिटल फोर्स को नेट फोर्स के बराबर रख देना है। यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सर्किल में, इस ग्रेविटेशन फोर्स जो ग्रेविटेशन फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही होगी, राइट। तो इसको हम बराबर रख देंगे जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, यहां से हमारा निकल जाएगा वेलोसिटी। और ये रेडियस क्या है, ये रेडियस आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा कितना हो जाएगा, ए वाई रूट थ्री हो जाएगा, राइट, कितना हो जाएगा, ए वाई रूट थ्री। तो यहां से आपका आ जाएगा एम ए बी स्क्वायर, सॉरी रूट थ्री एम बी स्क्वायर अपॉन ए जी एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रूट थ्री, ए से ए गया, एम से एम मरा, तो यहां से आपका देखो रूट थ्री से रूट थ्री मरा, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम अपॉन ए, तो बी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन ए, ये आपका आ गया आंसर, बी इज इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन ए, ये इस सवाल का हो गया बेटा आंसर। आपका क्या हो गया, इस सवाल का ही आंसर हो गया। क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को, कोई डाउट, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई दुविधा जल्दी से बताइए। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या, कोई डाउट, कोई दुविधा है तो बताइए। अब मैं आपको बताता हूं एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप सीयूपीजी 2025 के एस्पिरेंट हैं या फिर आईआईटी जेएम 2025 के एस्पिरेंट हैं, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रही है। अभी हमारे लाइव कोर्सेज पे फ्लैट 50% ऑफ है, जो आप 9 मंथ्स की वैलिडिटी के लिए आपको कोर्स मिल जाएगा केवल केवल 4999 में। बैच आपका आने वाले मतलब 15 अप्रैल, आज ही से स्टार्ट हुआ, आने वाले क्या 15 अप्रैल से स्टार्ट आपका बैच हो चुका है, तो आपको 4999 में मिल जाएगा कोर्स। ड्यूरेशन इसका 9 मंथ्स है, अभी इस पे फ्लैट 50% ऑफ है। कूपन कोड आपको यूज करना है बदलाव, BADLAV। ऑफर एक्सटेंड हुआ है, ऑफर आपका पहले वैलिड था बट अभी एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। चलो, तो जो भी बच्चे जैम 2025 या फिर सीयूपीजी 2025 को टारगेट कर रहे हैं, इस कोर्स में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी फिर मिस हो जाएगी आपसे। अभी कोर्स आपका 9 मंथ की वैलिडिटी के साथ 5K में मिल रहा है।
दूसरी इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे सीयूपीजी का एग्जाम देके आए हैं स्पेशली अभी 2024 वाले, वो क्या कर सकते हैं, अपना रिजल्ट इस नंबर पे पोस्ट कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे जाके भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे अपने मार्क्स वगैरह डाल सकते हैं और इस नंबर पे आप अपना रिजल्ट पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। चलो, तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि किस तरह से आपका ग्रेविटेशनल फोर्स का जो नियम है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उससे किस तरह से आप सवाल उसको हैंडल कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशन फील्ड की, जिस पे हमारी बात हो रही थी। ग्रेविटेशन फील्ड से पहले, ठीक है, ग्रेविटेशन फील्ड को आप समझ सकते हो, बट ग्रेविटेशन फील्ड से पहले मुझे लगता है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक बन जाता है। वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ऐसा समझ लो, वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है बेसिकली। वैल्यू ऑफ जी वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जी की वैल्यू जो है वो प्लेस टू प्लेस वैरी करती है, बट इन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला फैक्टर आता है आपका शेप वगैरह आता है, उस पर भी हम बात करेंगे, बट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजों पे पहले बात करते हैं। हाइट अबव द अर्थ सरफेस, अबव द अर्थ सरफेस हाइट कितनी है उस पर भी डिपेंड कर रहा है वैल्यू ऑफ जी क्या होगी, क्योंकि आपको पता ही है कि वैल्यू जो है जी की सरफेस पे मैक्सिमम है, सेंटर पे जीरो है, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वो वैल्यू घटेगी, बट कैसे मैं आपको अभी बता रहा हूं। देखो बेसिकली अगर मान लो ये आपकी अर्थ है, राइट, दिस इज योर अर्थ, मान लो इसकी रेडियस आर है, इसका मास जो है वो एम है। अब यहां पे आप इससे थोड़ा सा ऊपर गए, मान लो एच हाइट पे, ठीक है, यहां पे है स्मॉल एम एच हाइट पे, बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो मेन रिलेशन है वो क्या है, जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना है। ये वैल्यू है आपकी सरफेस पे, ठीक है, जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये नॉर्मल वैल्यू है जहां पे आपका जी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता है। बट अगर मैं यहां से हाइट पे बात करूं, इस पॉइंट पे बात करूं, तो जी कैसे आप निकालोगे, जी इज इक्वल टू जी एम एम, सॉरी यहां पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा, R प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, फोर्स अपॉन मास, तो यहां पे जो एक्सेलरेशन हो जाएगा G डैश दैट इज फोर्स अपॉन मास, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, G कैपिटल M अपॉन R प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट, दिस इज द G का रिलेशन, G कैपिटल M अपॉन R प्लस एच का होल स्क्वायर। अब इंपॉर्टेंट ये है, इसको और शॉर्ट में कैसे लिख सकते हो आप, ये तो एक बेन इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया, बट इसको और शॉर्ट में आप कैसे लिख सकते हो, देखो G इज इक्वल टू जी डैश इज इक्वल टू जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट। अगर मैं इसको और शॉर्ट में लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, जी डैश इज इक्वल टू आर स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो यहां पे बचेगा वन प्लस एच वाई हाल का होल स्क्वायर, कि जी एम बाई आर स्क्वायर क्या है, दिस इज ओरिजिनल जी दैट इज ऑन द सरफेस, सी ये जी एम बाई आर स्क्वायर क्या है, ये सरफेस पे वैल्यू है, तो इसको लिख दोगे जी और ये आपका बन गया कितना, अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर का होल स्क्वायर, राइट। इस फॉर्मेट में भी आप याद रख सकते हो, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन वन प्लस एच वाई आर का होल स्क्वायर। बट अगर मैं इसमें कंडीशन लगा दूं, आप यहां से ये भी देख सकते हो कि जी डैश जो है वो लेस देन है जी से, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी की वैल्यू जो है जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जाओगे घटेगी। अब इसी में और थोड़ा सा कंस्ट्रेंट लगा दो, ये तो आपका होगा नॉर्मल हाइट पे, अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा कम है, इफ एच मच 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 लेस देन आर है, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन है जहां पे एच इज मच मच लेस देन कैपिटल आर, कैपिटल आर इज व्हाट, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, कैपिटल आर क्या है सर, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ 64 सेकंड, अगर ये कंडीशन है तो आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है, जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस टू एच बाई आर, तब आपको ये रिलेशन यूज करना है। इफ एच इज मच मच लेस देन आर, अगर एच कंपेरेबल टू आर है तब आप इस रिलेशन की तरफ जाएं, अगर आपके आंसर गलत हो जाएंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी अपॉन वन प्लस एच वाई आर का होल स्क्वायर।
और अगर एच इज मच मच लेस देन आर है तो जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस टू एच बाई आर का यूज करेंगे, इसमें आपका आराम से आंसर बनेगा। इसका आपको कुछ नहीं किया गया, बायनोमियल एक्सपेंशन किया गया। सो यहां पे आपका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, ऑन गोइंग अबव द ग्राउंड सरफेस अर्थ सरफेस, ऑन गोइंग वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजिंग, जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जा रहे हो वैल्यू जो है वो घट रही है, सरफेस पे आपकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम है और सेंटर पे जीरो। ये बात आपने नोटिस कर ली। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आप क्लासिकल मैकेनिक्स की बात कर रहे हो, यहां पे मास नहीं वैरी करेगा, केवल जी की वैल्यू वैरी कर रही है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट कि आपका हाइट पे कैसे वैरी कर रही। अगर हम बात करें अर्थ सरफेस से नीचे जा रहे हैं डेप्थ में जा रहे हैं तब आपकी वैल्यू क्या होगी जी की, राइट? अगर हम डेप्थ में जा रहे हैं तब क्या सिचुएशन बनेगी? ये वाला नोट किया सबने एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वाला नोट कर लिया, कोई दिक्कत यहां तक, कोई समस्या, कोई दुविधा किसी भी स्टूडेंट को जल्दी बताइए भाई। चलो अब दूसरा फैक्टर है डेप्थ। मान लो आपके पास क्या है डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस की आप बात कर रहे हो, ठीक है, तो जी कैसे वैरी करता है? मान लो आपके पास ये है अर्थ, इसकी रेडियस कैपिटल आर है, और आप क्या करोगे अर्थ के अंदर चले गए, मान लो यहां से आप एच हाइट पे, दिस इज एच, ठीक है, ये आपका एम है, राइट? ध्यान से सुनना। अब आप यहां से आर माइनस एच, ये जो ये वाला जो डिस्टेंस है ये कितना है यहां से, सेंटर से अगर हम डिस्टेंस कैलकुलेट करें तो सेंटर से डिस्टेंस कितना है आर माइनस एच, आप कितना चले, राइट? तो बेसिकली मास ऑफ दिस स्फीयर इज एम डैश, इस वाले का स्फीयर जो मास होगा वो क्या होगा एम डैश होगा। इसको कैसे लिख सकते हो, एम अपॉन फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब और फोर बाई थ्री पाई आर माइनस एच का होल क्यूब। तो यहां से आपका आ जाएगा एम डैश इज इक्वल टू आर माइनस एच का होल क्यूब अपॉन आर क्यूब कैपिटल एम, राइट? ये आपका आ गया। तो फोर्स क्या हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन अगर वैरी कर रहा है तो बिकॉज ऑफ फोर्स चेंज, और फोर्स की वजह से फोर्स कितना आ जाएगा पहले आपको ये निकालना पड़ेगा। तो एफ डैश आ जाएगा जी एम डैश एम अपॉन आर माइनस एच का होल स्क्वायर। तो एफ डैश क्या हो जाएगा यहां पे देख, जी एम डैश की जगह पे डाल दो आर माइनस एच का होल क्यूब कैपिटल एम अपॉन आर माइनस एच का होल आर माइनस एच का होल स्क्वायर आर क्यूब, कैंसिल हो गया। तो यहां से एफ डैश क्या बच गया, जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर माइनस एच अपॉन आर क्यूब। तो अगर आपका ये एफ है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। तो यहां पे जी डैश कितना आ गया, अब फिर से आप इसको जी की फॉर्मेट में लेके आने जाते हो तो यहां से आप क्या करो आर कॉमन ले लो इधर से, तो आर आर कैंसिल हो जाएगा यहां पे बचेगा। तो यहां से आप क्या करोगे जी एम अपॉन आर स्क्वायर बचेगा और यहां बचेगा वन माइनस एच बाई आर, राइट? तो ये आपका फैक्टर हो गया जी ओरिजिनल वाला सरफेस पे। तो जी डैश क्या हो गया, जी वन माइनस एच बाई आर, ये आपका फॉर्मूला आ जाता है डेप्थ पे। जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस एच बाई आर और जी डैश जो है वो लेस देन है जी से, अगेन योर वैल्यू इज डिक्रीजिंग। तो आप चाहे डेप्थ में जाओ चाहे आप हाइट पे जाओ, अर्थ जो जी की वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज हो रही है। यहां पे मान लो दिस इज द सरफेस मैक्सिमम, ऊपर का फिर डिक्रीज की, नीचे का फिर डिक्रीज करी। निकालने को पूछा जाए तो डेप्थ में कैसे निकालोगे, जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस एच वाई आर, और अगर हाइट पे पूछी जाए तो जी डैश इज इक्वल टू जी
अपॉन वन प्लस एच वाई आर का होल स्क्वायर, अगर एच कंपेरेबल है और अगर एच मच मच लेस देन आर है तो जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस टू एच वाई आर से आप निकाल लोगे। ये दूसरा फैक्टर हो गया जिस पे जी डिपेंड कर रहा है। राइट, अब तीसरा फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, रोटेशन पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ, थर्ड फैक्टर है एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ। एक्सियल रोटेशन ऑफ अर्थ पे कैसे डिपेंड कर रहा है यह आपको समझना पड़ेगा। जैसे हमने देखा हाइट पे डेप्थ पे वेरी कर रहा है, ऐसे एक्सियल पे देखो रोटेशन पे जो जी डिपेंड करता है, मान लो एक पार्टिकल है पी, मान लो दिस इज द एक्सेलरेशन, दिस इज द सरफेस, अर्थ सरफेस है, मान लो यहां पे दिस इज द अर्थ, राइट, मैं आपको समझाता हूं कैसे, और दिस इज मान लो एक्स डायरेक्शन, या फिर इसको ऐसे ले लो कोई बात नहीं चलेगा, दिस इज मान लो वाई डायरेक्शन, हमको एक्स वाई प्लेन में समझना है, और लेट अस कंसीडर हमारे पास एक पार्टिकल है पॉइंट पी पे, यहां से दूरी है इसकी आर, ठीक है, यहां से जोड़ दो इसको ओरिजिन से, ये मान लो एंगल फाई है, और यहां पे इस पे नीचे जो है वो जी लग रहा है, जी डैश बिकॉज ऑफ रोटेशन, हमको इस जी डैश की वैल्यू को निकालना है। बेसिकली लेट अस कंसीडर दिस पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इन रोटेशन, और इसका लैटिट्यूड कितना है, फाई है। अब यहां पे क्या होगा, इस पे एक सूडो फोर्स लग रही होगी, बिकॉज आपको पता है जब रोटेशन की बात होती है, रोटेशन की बात होती है तो हम सूडो फोर्स लगाते हैं, जब एक्सेलरेटेड फ्रेम होता है तो हम सूडो फोर्स लगाते हैं, राइट, तो यहां पे बाहर की तरफ एम सूडो फोर्स कितना लग रहा होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर, राइट, सूडो फोर्स कितना लग रहा होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर लग रहा होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो एक सूडो फोर्स लग रहा है, एक एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन कितना है, राइट, एक सूडो फोर्स इधर लग रहा है एम आर ओमेगा स्क्वायर, और एक जो ओरिजिनल एक्सेलरेशन है वो नीचे की तरफ लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन कहां पे है, कितना है वो कैसे निकाला जाए, तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा जी स्क्वायर, आपको पता है दो वेक्टर अगर किसी भी पर्टिकुलर थीटा एंगल पे होते हैं तो उनका नेट कैसे निकालते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए वी कॉस थीटा, राइट, तो यहां से एम आर, सॉरी एम क्यू ले रहे एक्सेलरेशन लेंगे ना, तो आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस एंगल, ठीक है, टू ए कितना है जी है, बी कितना है आर ओमेगा स्क्वायर का वो ए बी है, और यहां पे कॉस 180 माइनस फाइव, तो यहां से जी डैश कितना हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओमेगा की पावर फोर माइनस टू जी आर ओमेगा स्क्वायर कॉस फाइव, ये आपका जी डैश आया। सो दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का रिलेशन है ड्यू टू रोटेशन, फाई इज द एंगल लैटिट्यूड, रोटेशन पे डिपेंड कर रहा है, जैसे जैसे फाई वेरी करेगा जी की वैल्यू भी आपकी वेरी करेगी, इसी हिसाब से आप पोल्स पे और इक्वेटर पे आप निकाल सकते हो। चाहो तो यहां पे आप और थोड़ा सा अजम्पशंस करके आर स्क्वायर ओमेगा की पावर फोर को कैंसिल भी कर सकते हो, बिकॉज जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बहुत कम निकलेगा, बिकॉज आपको पता है कि ओमेगा क्या है, ओमेगा होता है टू पाई बाई टी, ठीक है, तो टू पाई और टाइम पीरियड कितना आप लगाओगे, यहां पे टाइम पीरियड लगा लो करीबन 24 इंटू 3600, तो देखो ये फैक्टर कितना स्मॉल है, ओमेगा जो है वो ओमेगा पावर फोर है और आपको पता है कि ऑलरेडी बहुत स्मॉल है, राइट, तो कहीं ना कहीं आप आर स्क्वायर ओमेगा की पावर फोर को निगलेक्ट भी कर सकते हो यहां से, ठीक है, यू कैन निगलेक्ट आर स्क्वायर ओमेगा पावर फोर इज वेरी स्मॉल, तो आपका जी डैश क्या बचेगा, और चाहो तो एक काम करो आर की जगह पे आर कॉस फाइव पुट कर दो, ये हो जाएगा, तो
तो फाइनल रिलेशन निकल के आएगा जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से आप जी को कॉमन लोगे, ठीक है, तो जी बाहर आ जाएगा, यहां पे बचेगा वन माइनस टू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई अपॉन जी, ठीक है, फिर से आप आपका जो फाइनल रिलेशन ये निकल कर जाएगा, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर स्क्वायर आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, आप इसको याद करें, दिस इज इंपॉर्टेंट, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। अब आप पोल पे निकाल सकते हैं, इक्वेटर पर निकाल सकते हैं, अगर आप इक्वेटर पर निकालेंगे तब भी आ जाएगा, पोल पर निकालेंगे तब भी आ जाएगा, राइट। अब यहां से इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स लिखवा देता हूं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये लिख लिया सभी ने, एट पोल फाइव इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो जी डैश इज इक्वल टू जी, एट इक्वेटर फाइव इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, तो जो वैल्यू है जो पोल पे ज्यादा है इक्वेटर पे कम है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड मैं आपको एक सवाल कराऊंगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, राइट right? चलो अब आप एक सवाल करिए, अ यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस, ये तो चलो सवाल रिंग का रिलेशन होगा, ग्रेविटेशन फील्ड से रिलेटेड सवाल हो गया, क्योंकि मैंने अभी फॉर्मूला नहीं बताया है, इसलिए पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूं, उसके बाद ये सवाल करिएगा, ठीक है। अच्छा, वैल्यू ऑफ जी का जो वेरिएशन है वो सारे फैक्टर मैंने बता दिए, हाइट डेप्थ एंड रोटेशन। अब आपको ग्रेविटेशन फील्ड के कुछ रिलेशन बता देते हैं, फिर हम इस सवाल को भी उड़ा देंगे। ग्रेविटेशन फील्ड क्या, जैसे आप बेसिकली ये चैप्टर पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड है, अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़े हुए हैं तो इस चैप्टर में मुझे लगता कोई दिक्कत आने वाली है। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, यू नो, इसी तरह से ग्रेविटेशन फील्ड है, बस आपको ये समझना पड़ेगा अगर फील्ड नहीं है तो फोर्स भी नहीं है, फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से इंटरेक्ट कर कैसे रहा, बेसिकली उसका रीजन ही ये है कि वो पार्टिकल जो है वो अपने नियरबाय फील्ड क्रिएट कर रहा है, और उस फील्ड के रीजन में अगर कोई दूसरा पार्टिकल आ रहा है तो उनके बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन डिपेंड ऑन द चार्ज का नेचर क्या है, राइट। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते थे, सिमिलर फैशन में यहां पे क्या है कि ग्रेविटेशन फील्ड है, कोई एक पार्टिकल है, राइट, वो अपने नियर बाई एक फील्ड क्रिएट कर रहा है, और उस फील्ड में अगर उस रीजन में कोई दूसरा पार्टिकल आ रहा है तो दोनों के बीच में एक इंट्रैक्शन हो रही है, राइट। तो ये ग्रेविटेशन फील्ड है कैसे दी जाती है, ये इस तरह से लिखी जाती है, जी इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। बेसिकली ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी को आप कैसे निकालोगे, ड्यू टू, मान लो ये पार्टिकल, इसकी वजह से पॉइंट पी पे आपको निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, तो दिस इज गिवन एज ग्रेविटेशन फील्ड इज इक्वल टू लाइक जी एम बाई आर स्क्वायर। फिर से मैं बोल रहा हूं एनोलॉजी से, वहां पे क्या होता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां पे जी एम बाई आर स्क्वायर, राइट। आपको कुछ रिलेशन इंपॉर्टेंट लिखा देता हूं कि अगर आपके पास एक डिस्क है उसकी वजह से फील्ड क्या होगी, राइट, और रिंग की वजह से क्या होगी। देखो मान लो ये डिस्क है एक, इसको अभी डिराइव नहीं करेंगे, इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पे मान लो आपको फील्ड चाहिए आर, तो यहाँ पे आप थीटा लोगे, इसमें आप बहुत सारी रिंग लोगे, एक एलिमेंट लोगे, उसको फिर इंटीग्रेट करोगे, वहां से आप निकाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पे जो फील्ड निकल के आएगी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू जी एम अपॉन, अगर इसकी रेडियस मान लो ए है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, टू जी एम अपॉन ए स्क्वायर वन माइनस कॉस थीटा, दिस इज द ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्क। अब यहां पर रिंग की बात आ जाती है अगर, तो फिर मैं आपको एक सवाल करवाता हूं,
दर्द हो रहा बहुत तेज। यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस ए। फिर से आप क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे यहां से इसका कंपोनेंट हो गए इसके अलॉन्ग डी कॉस अल्फा आएगा, फिर उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपका जो फील निकल के आएगा वो मैं आपको लिख देता हूं। यहां पे जो फील निकल के आएगा वो आएगा जी एम आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। फिर से आप एनालॉजी लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा वही फील्ड है जो आप वहां पर पढ़ते थे। जी एम आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ए क्या है, यहाँ पे रेडियस है, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट वेर यू वांट टू कैलकुलेट योर फील्ड, राइट। ठीक है, चलो अब आप इस सवाल को करिए, ये सवाल अब हम कर सकते हैं। यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस ए इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबव अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ मास एम एंड इक्वल रेडियस। द सेंटर ऑफ द रिंग इज एट अ डिस्टेंस 3a फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। फाइंड द ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्फीयर ऑन द रिंग। आपको स्फीयर के द्वारा रिंग पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है ये निकालना है। सिचुएशन को ध्यान से पढ़िए। एक यूनिफॉर्म रिंग ऑफ मास एम एंड रेडियस ए इज प्लेस्ड डायरेक्टली अबव अ यूनिफॉर्म स्फीयर। एक स्फीयर है उसके ऊपर एक रिंग को पड़ा डाला रखा गया है, ठीक है। अबव सेंटर ऑफ द रिंग इज एट ए डिस्टेंस 3a फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। मान लो ये स्फीयर है, इसका सेंटर है, ये रिंग का सेंटर है, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3a है, 3a। तो आपको बताना है कि इस ये जो स्फीयर है रिंग पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, ए स्फीयर रिंग को कितने फोर्स से नीचे खींच रहा होगा, ये आपको बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये स्पेयर इस रिंग पे कितना फोर्स लगा रहा होगा, आप सिंपल सा निकाल सकते हो। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया ग्रेविटेशन फील्ड का। फील्ड का मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल अपने नियर बाय फील्ड क्रिएट कर रहा है और उसके इन्फ्लुएंस में कोई दूसरा पार्टिकल आ रहा है तो उनके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। तो अगर आप ये निकाल लें कि रिंग जो है वो कितना फील्ड क्रिएट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है यू कैन कैलकुलेट योर फोर्स, राइट। तो अपना फोर्स निकाल सकते हो। अगर मैं ये निकाल लूं कि रिंग कितना फोर्स कैलकुलेट कर रहा है, फोर्स कितना कितना फील्ड क्रिएट कर रही है तो उसके इन्फ्लुएंस में जो स्पेयर आ रहा है बाय डिफॉल्ट उस पर आपको फोर्स पता लग जाएगा ना, अगर आपको फील्ड पता है तो एफ इजिकल टू एम ई, वहां पर जैसे करते थे एफ इजिकल टू क्यू ई। अगर आपको फील्ड पता है तो यू कैन कैलकुलेट फोर्स। सिंपल है क्वेश्चन, एक रिंग है, नीचे स्पेयर है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 3a है, आपको बताना स्पेयर कितना फोर्स लगा रहा है। चलो देखो, सॉल्यूशन देखो इसका। मान लो दिस इज योर रिंग, ये स्पेयर है, मैं इसको स्पेयर की तरह बना देता हूं वरना आपको कंफ्यूजन होगी। इसका और इसके सेंटर में जो डिस्टेंस है वो कितना दिया है सर, 3a दिया है, ए दिया है ना, देख लेट मी चेक। अच्छा रूट 3a दिया है, सॉरी रूट 3a दिया है कि 3a दिया है, रूट 3a दिया है सवाल में, ठीक है। चलो आपको इनके बीच में जो डिस्टेंस दिया है रूट 3a दिया है, हाँ रूट 3a दिया है, ठीक है रूट 3a। अब आपको निकालना है कि यहां पे ये मान लो इसका मास m है, इसका मास m है, तो आप ये देख लो कि ये जो रिंग के द्वारा आपको पता है कि पॉइंट पी पे एक्सियल पॉइंट पे फील्ड कितनी होती है, आप यहां से फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। आपको भी फॉर्मूला बताया कि जो फील्ड होती है वो कैसे निकालते हो, जी एम आर अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होल पावर 3/2 ऐसे निकालते हो। आपको इसकी रेडियस ए दे रखी है, आपको इसकी भी रेडियस ए दे रखी है, तो यहां पे फील्ड क्या होगी, जी स्मॉल एम और ये डिस्टेंस कितना रूट 3a, रूट 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये फील्ड कितनी हो जाएगी, 4a स्क्वायर की पावर 3/2, तो आ जाएगा 8a स्क्वायर, कैंसिल हो जाएगा ना नीचे से, हाँ ये 8a स्क्वायर आ जाएगा, ये आपकी फील्ड आ गई। आपको पता है कि रिंग जो है इतना फील्ड अपने आसपास क्रिएट कर रहा है, तो भाई उसके इन्फ्लुएंस में कोई भी स्फीयर आए कुछ भी आए तो फोर्स कैसे निकाल सकते हो, F इज इक्वल टू ई एम ई,
स्फीयर का मास क्या है, उस पार्टिकल का मास क्या है, एम है, तो बस हो गया आंसर जी एम एम रूट थ्री अपॉन एट ए स्क्वायर, ये आंसर हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था राइट, जी कैपिटल एम एम रूट थ्री अपॉन एट ए स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया इस सवाल, क्लियर। तो हमने आज सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता देता हूं, अगर आप सीट पीजी के एस्पिरेंट हो तो सारी चीजें आपके लिए आईएफएस की वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। 2025 के अगर आप एस्पिरेंट हो आईआईटी जेएम के या फिर आप सीट पीजी के एस्पिरेंट हो, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है आईएफएस की वेबसाइट, जहां पे टीम ने रिसर्च करके आप लिए फ्री में सारी चीजें डाल रखी है आपको। इधर तो गूगल पे या किसी और वेबसाइट पे आधी चीजें यहां से उठाना आधी चीजें वहां से उठाना, ऐसे नहीं करना इतनी मेहनत। आईएफएस की वेबसाइट पे जाइए, आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए, चाहे आपको सीट पीजी के चाहिए हो, चाहे आपको आईआईटी जेएम के चाहिए हो, सारे ईयर वाइज मिल जाएंगे। आपको सोल्यूशन चाहिए सारे मिल जाएंगे, आपको क्या चाहिए कट ऑफ चाहिए, आपको पेपर का एनालिसिस चाहिए, कौन से टॉपिक कितने इंपॉर्टेंट है, सारे एक ही जगह पे मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी चार्ज नहीं देना। यू कैन डाउनलोड इन फ्री, टेस्ट देना है, स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, सब कुछ फ्री में, पैटर्न सिलेबस एनालिसिस टीचर नोट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रीवियस रिकॉर्डेड फ्री प्राइम, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिलने वाला है। तो इसको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा, जितने भी आईआईटी जेएम 2025 में पेपर देने वाले बच्चे हैं, अभी से बता रहा हूं, क्योंकि आपको इनिशियल फेसेस में रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये शुरुआत है अभी आपकी, तो जरूर आईएफएस की वेबसाइट पे जाके इन सब चीजों को चेकआउट कीजिए, ठीक है। ये हमारे रिजल्ट्स हैं, इन्हें यहाँ बच्चों ने प्रिपेयर किया है, यहाँ पे आप भी आ सकते हैं, आपका भी फोटो आ सकता है अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, या फिर फ्री में जितना कंटेंट पड़ा उसको एक बार एक्सप्लोर कीजिए, आपको लगता है कि यहाँ चीजें अच्छी हैं तो आप कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए, क्योंकि अभी जो कोर्स है ना मेरे भाई, इससे कम प्राइस में बेटा आपको कभी कोर्स नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो कोर्स है वो आपका पड़ रहा है केवल 5K में 9 महीने की वैलिडिटी के साथ, 9 महीने की वैलिडिटी के साथ का कोर्स 5000 में, मैंने तो कभी अपने जब से मैं पढ़ा रहा हूं नहीं भी देखा यहाँ पे, ठीक है। तो आप अभी ये मौका है, बैच आपका आज से स्टार्ट हुआ, इसमें एनरोल कर लीजिए, वेबसाइट पे आपको इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, आपको आज का लेक्चर समझ में आया, सारी चीजें क्लियर है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई दुविधा है तो बताइए, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, फिर आज के लेक्चर को हम यहीं पे बाइंड करते हैं, थैंक यू सो मच। Yeah, it's fine.
ऐसा बोल रहे हैं ना, इसमें बिताने समय पर ना ये इंजॉय नहीं जा